नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। फर्जी पैसा निकासी को लेकर प्रदर्शन, मधुबनी बिस्फी से राकेश यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी पंचायत के वार्ड संख्या 8 में 7 निश्चय योजना के तहत बन रहे नल जल योजना में फर्जी तरीके से 5 लाख से अधिक निकासी किए जाने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर हो हंगामा एवं प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि वार्ड सचिव फर्जी तरीके से राशि की निकासी कर ली। इसको लेकर वार्ड सदस्य जांच के लिए आवेदन दिया। जांच नहीं होने एवं सचिव के द्वारा धमकी दिए जाने को लेकर लोगों ने हंगामा किया। वहीं प्रशासनिक स्वीकृति के बिना एवं बोर्ड लगाए बिना ही कार्य किए जाने का भी विरोध कर रहे थे वार्ड सदस्य। मुस्तकीम ने कहा कि सचिव फर्जी तरीके से मधुबनी बैंक से राशि निकासी एवं गलत ढंग से कार्य किए जाने को लेकर जांच करने की मांग कर रहे थे। कई दिन बीत जाने के बाद जांच नहीं होने पर प्रदर्शन करना पड़ा है। बीडीओ अमर अब्दाली पंचायती राज पदाधिकारी चंदेश्वर नारायण सिंह ने बताया कि इसकी गहन जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैंक के प्रबंधक से पूछताछ के बाद इसकी जांच की जा रही है। इस मौके पर मनोज कुमार शामो, नदीम मो, नसीम मो, अरशद मो, इरफान सहित कई लोग शामिल थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। क्या मामला? ये है, देखिए, ये पैसा किसी आप काम का था, मगर उसको आज तक हमको सो नहीं किया गया। और वो पैसा निकाल करके ये लोग पहले से अपना रखे हुआ था, आज दमगिरी से दूसरा काम को कर रहा है, मगर हम लोग से नहीं पूछा जा रहा है, न मुखिया जी से पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? साइन कैसे कर दिया? साइन हमने किया नहीं किया वो तो बात की बात है। साइन कैसे कर दिया आपने? मैं पूछा हूँ। नहीं, साइन मैंने नहीं किया, मेरे को चेक आए नहीं मेरे पास। मेरा जो भी चेक आता था एक थाने बैंक में, तो हमको बुलाते थे कि सिग्नेचर आप फर्जी, उसने फर्जी सिग्नेचर किया तो हमसे मतलब पूछा भी नहीं, हमको बगैर आपने पीछे में उठने निकाल लिया। आपने साइन नहीं किया है? जी नहीं। कितना पैसा निकासी किया है? 5,71,000। आपको इसकी जानकारी? इसकी जानकारी हमको मिला एक दो हफ्ता शनिवार को, हमको कुछ मालूम नहीं था। सोमवार को आवेदन दिए थे थाना में, मगर थाना भी कोई एक्शन नहीं लिया। वो पैसा जब निकासी किया आपके खाते से, आपको कितना पहले जानकारी? जी जी, एक उसके चेक में पैसा कहाँ से आ गया? जी, चेक में पैसा कहाँ से आ गया? मुखिया जी भेजे होंगे, खाता पर पैसा था, हमारे काम का पैसा था, हमारा ओल्ड एज उसका काम का पैसा बाकी था। पैसा सचिव के खाते पे जाता है वार्ड मेंबर? वार्ड मेंबर के। मुखिया जी उनके खाते पर? नहीं, उनके नहीं, वो तो निकाले है, खाता तो मेरे खाता पर जाता है पैसा। जी आपने बताया? जी जी, जॉइंट खाता है। आखिर मुखिया जी तो पैसा भेजे था ना? जी जी। मुखिया जी को इस चीज के जरिए नहीं पता? नहीं, मुखिया जी को भी कुछ पता नहीं है ये पैसा निकला तो। कोई जानकारी नहीं। थाना पर गए तो क्या बोला? थाना पर हम गए तो हम लोग ने आवेदन दिया, हमारा आवेदन एक्सेप्ट किया, उसके बाद कहा कि चलो कल उसका कार्रवाई हुआ जाएगा। उसके बाद दर्ज हो गई है? जी, प्राथमिकी दर्ज हो गई है उस पर? जी जी, केस हो गया है? हाँ, केस बोलता कि हो गया है। बोलता है आपने नकल लिया? नहीं, नकल लाने गया तो बोला कि फलाने के पास है, ठिकाने के पास है, उसके पास जाइए, उसके पास है, हम लोग को दौड़ा रहा है। उसके बाद हमको थाना में जाके वो आदमी, कितना वार्ड है? 8। 8 वार्ड जी। क्या क्या काम हुआ आपको? हमारे वार्ड में दो काम हुआ है, मतलब रोड का काम हुआ है, दोनों काम आप चेक करना चाहते तो कर सकते। कितना की निकासी से हुआ है ये आपको? 12 लाख से। 12 लाख से क्या क्या काम हुआ? एक रोड हुआ, बना हुआ है। कौन सा रोड? वही मस्जिद वाला, यहाँ से कब्रिस्तान। कितना स्क्वायर फीट है वो हमको तो उतना जानकारी नहीं है सर। कितना का योजना है? 12 लाख। कहाँ से कहाँ तक है? मस्जिद से लेकर के वो आपको चमट टोली, वो सड़क मैंने देखा है, वो सड़क टूट रहा है अभी। कितना जी, पहले जी, हुआ जी, वो टूट रहा है? कौन काम किया था? पर हम ही लोग किए थे मुखिया जी, हम लोग मिल के। ठेकेदार कौन था? मुखिया जी है। मुखिया जी खुद काम किए थे? जी, ठेकेदार खुद मुखिया जी थे। जी जी, वो सड़क अभी टूट रहा है। बात सही है, वो टूट रहा है, बरसात है सर, तो उसको क्या किया जाए? बरसात से पहले ही देखा था। मतलब उसमें क्या गया था? टूटा नहीं था, चनक गया था। क्यों चनक गया था? नीचे की जमीन है, हम उसको क्या कर सकते हैं? एक मिनट मुझे पूछने दीजिए, वो सड़क का ठीक से नहीं काम हुआ, क्यों नहीं हुआ? सर वो तो काम ठीक ही से हुआ, आप तो भी चेक करने गए थे। आप खुद बोल रहे चनक किया था? हाँ हाँ, देखे मैं भी, हम लोग भी थे, उसको भी हम लोग कहा था कि इसको रिपेयरिंग ठीक से नहीं हुआ। हाँ, रिपेयरिंग नहीं कर, रिपेयरिंग करेंगे। ठेकेदार के द्वारा कार ठीक से नहीं किया गया था, सही ना? क्या नाम आपका? मोहम्मद मुस्तकी। कौन वार्ड है? 8। आप बिस्फी पंचायत के मुखिया है? क्या नाम है आपका? आपके पंचायत में इस तरह के धांधली का मामला आ रहा है, पंचायत में चलते पैसे निकाल सकते, बताइए।
है। ब्लॉक में हम लोग को काम दिया गया वार्ड का, ठीक है। फोटो स्टेट खातिर के लिए सभी वार्ड मेंबर कौन किए, सभी वार्ड मेंबर ने अपना अपना प्रोजेक्ट कवर किया। जब आठ को बोलाया तो आठ का आज मेरे पास खाता नहीं है, मैं सचिन के पास है, सचिन को हम बोलते हैं उनके पास गया, उनके पास गया तो कहा जो हम जमा कर देंगे वो नहीं बोला ना, उसी जगह हम भी थे जब वो डॉक्यूमेंट निकालने के लिए आया तो वहीं पर हम लोग को थोड़ा हवा पानी मिला तो इसमें से पैसा निकल चुका है, इसीलिए डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, ठीक है। हम लोग डाउन हो गए, उसके बिहान हो गए, ठीक है ठीक है। तो डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो हम लोग जैसे उसका अथी करवाए, जैसे स्टेटमेंट निकाले उसमें से पैसा आपको 4,71,000 और 1,00,000, मतलब एक है तीसरा महीना में और एक है चौथा महीना, एक है कितना तारीख का है, 6 तारीख को 4,00,000 है और 1,18,000 है, 18 तारीख में से ही है, 28 अप्रैल को। तो उसके बाद जो है सो हम लोग आपस में वार्ड मेंबर को कहें कि इस तरह का हुआ है तो आपको साइन किए हैं, पैसा कैसे कर लिया आपके खाते में, कहा हमको तो जानकारी नहीं है क्या, हमारे पास कुछ नहीं है तो पैसा गलत में तो निकाल लिया गया, ये हमको तुरंत एक आवेदन दिया और एक आवेदन थाना में, इसने जो है सो आवेदन लिखवा के दोनों जगह देने के बाद जो है सो इस पर एक्शन लेना चाहिए थाना को, थाना एक्शन नहीं लिया, उसके बाद उसको भी धमकी देके जा रहा है और उसको भी धमकी दे दिया है। आपको धमकी मिला इसका शिकायत आपने किया है? हाँ शिकायत किया, इसके यहाँ लिखी शिकायत, आप अपने लड़के पर मुख्य पब्लिक के द्वारा नहीं नहीं आप अपने आवेदन के लिए हैं और पैसा निकासी जो हो गया है उसकी जानकारी आपको नहीं, जानकारी कैसे खाता उसके पास है, मैसेज उसके पास है तो हमको कैसे जानकारी, आपने उसको चेक दे दिया, चेक मतलब पहले जो काम हुआ काम 6,83,000 बाद जो काम किया पहले वो पैसा बाकी था, वो पैसा हम ट्रांसफर किए, ठीक है। कितना पैसा उसने 3,00,000 किया और 3,00,000 का काम किया, हाँ 3,00,000 का काम हो गया था। कहाँ पे काम हुआ है? वही मस्जिद वाला काम है, उसमें 2-3 रोड है उसमें बना हुआ और उसके बाद एक काम था उसमें चालू करना, मिट्टी करा 50-60 गिरा, उसके बाद उस काम को चालू करना था। किसके माध्यम से होना वो काम? वार्ड नंबर के माध्यम से हो, वार्ड नंबर जब कहा उससे काटने के लिए काम, उसमें ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कौन है? वही है अकेले जिससे है। ठेकेदार कौन है वार्ड नंबर? ठेकेदार कौन है? तो काम जब हो गया उससे पैसा मांगा गया, पैसा कहा जब ठीक पास करते गया पैसा नहीं दिया, फिर कहा जो मुखिया जी हमको इतना हमको आया पैसा धमकी देने के लिए, मैंने पैसा दीजिए। कौन धमकी देने? लड्डू कौन है? लड्डू वार्ड सचिव का पति, कहा जो जब तक हमको पैसा पैसा नहीं दीजिएगा तब तक हम पैसा निकासी पे आपका कोई साइन नहीं होता है, वार्ड मेंबर का साइन होता है, वार्ड और सचिव का साइन होता है, इसमें उसका भी योजना का जो पैसा हम डाले थे उसमें भी 3,00,000 डाले थे वो पैसा और 3,00,000 पैसा 6,00,000 टोटल होता है जिसमें 5,71,000 रुपये निकाल, ये फर्जी साइन शुरू कर लगा दीजिए। वो जो आप सड़क बना रहे हैं कहाँ तक है भाई? वो सड़क का स्थिति ठीक नहीं है, जांच में क्या पाया गया? बहुत अच्छा रोड, अभी आपके वार्ड में बोले हैं कि कहीं कुछ अचानक गया है,
लगता है, हर रोड टनक था, DW भी रोड बनता हूँ भी टनक जाता हूँ। कितना दिन के बाद छंट गया? एक महीना का गलती होता है, कोयला अगर नहीं देता है माध्यम से एक महीना के बाद चमक जाता है। एक महीना के 10 दिन के बाद भी फट जाता है, उसमें कोयला नहीं दिया गया होगा इसमें टनक। अच्छा, अभी आप लोग क्या एक्शन लेंगे इस पर? जो फर्जी निकासी का सामान लिया गया तो आपने आवेदन यहाँ भी दिया, फिर आवेदन एक तक तो देने जा रहे हैं, वहाँ से आगे कार्रवाई किया जाएगा। आवेदन पे आप